इन्फ्लुएंसिंग समवन इज एन आर्ट दैट कैन बी लर्न। हर इंसान अपनी जिंदगी में लीडरशिप की क्वालिटी निभाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने करियर में लीडर बनना चाहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग, जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित है ना, आप में से भी बहुत सारे लोग अपने लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी निभाना चाहते हैं, इवन दैट लीडर बनना चाहते हैं। बट क्यों? रीजन पता है आपको? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज की क्लैरिटी है कि अगर आप एक लीडर होंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉलोअर होंगे, तो बहुत सारा एक कम्युनिटी, बहुत सारा अपने साथ एक पावर लेने के लिए आप लीडरशिप की क्वालिटी निभाना चाहते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि कैसे एक व्यक्ति अच्छा लीडर बनता है और कौन कौन सी उसकी वो क्वालिटी होती है जिससे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस करके आप एक उनके बीच के एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने समर्पित किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। नमस्कार, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु। आज इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। समझिएगा, दो तीन बातें आपको बताऊंगा कि यार लीडरशिप एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। हम सब व्यक्ति अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियों से भागते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमें देख ले, कोई हमें बुलाकर कोई काम दे दे। हम सब अक्सर जिम्मेदारियों से भागते हैं, खास करके कॉर्पोरेट लाइफ में। जब आप जॉब कर रहे होते हैं, जब आप किसी बिजनेस में होते हैं, जब आप किसी अच्छी जगह पे होते हैं, वहां पर आप अपनी नजरें चुराते हैं, नजरें थोड़ा सा छुपाते हैं कि कहीं लीडर मुझे देख ना ले और मुझे बुलाकर कोई नया काम ना सौंप दे। और आपकी यही गलती आपको कभी लीडर नहीं बनने देती। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता है, जिम्मेदारियां लेता नहीं है, खुद से आगे बढ़कर उसके लिए अप्रोच नहीं करता कि मुझे दे दो, मैं कर सकता हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं, या फिर मैं करके देखूं, मैं ट्राई करूं सॉल्व करने का, उस व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल पाती। रीजन क्या है? जब आप जिम्मेदारियां लेते हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें निभाने के लिए उसके ऊपर प्रयास करते हैं, उसके ऊपर अपना अग्रसर एक एफर्ट डालते हैं, और वही एफर्ट आपको लाइफ में तरक्की का रास्ता देता है, राइट? तो आपका एफर्ट जितना बढ़िया होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा आपके लाइफ में आप चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे। देखो, अब सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है किसी को तो आपको सबसे पहले जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और जिम्मेदारियों को सही पूर्वक निभाना पड़ेगा। अब आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस आपको कर रहे होंगे। आपकी जिंदगी में भी दो टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं, ध्यान देना। दुनिया में कितने टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं? दो होते हैं। पहला पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर होता है, दैट इज कृष्णा। सेकंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसर होता है, दैट इज शकुनी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर भी होता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर भी होता है। आप किसके साथ हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर पीपल के साथ है, तू कुछ भी कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, तू मेहनत कर, तू अचीव करेगा, ये सब चीजों में मत जा, ये बेकार चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये बुरी चीजें, एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो हमेशा आपको गाइड कर रहा है, हमेशा आपको रोक टोक रहा है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो आपको बुरे कामों में भी सपोर्ट कर रहा है, नहीं तू कर, मैं तेरे साथ हूं, भले वो पीछे से गायब हो जाएगा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ शकुनी। तो आपको जिंदगी में दो टाइप के लोग मिलेंगे, पहला पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर होगा, दूसरा आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंसर होगा। तो आप किसके साथ हैं, आप किस व्यक्ति की तरफ है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको प्लान करना पड़ेगा कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर की बातों पे आप चल रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर की बातों पे चल रहे हैं। कुछ पॉइंट्स भी आपको बताता हूं, कौन कौन सी वो स्किल है या फिर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपके अंदर अगर होंगी या फिर आपने उसको अपने अंदर डाल ली तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और आप भी एक अच्छे लीडर फ्यूचर में डेफिनेटली उन चीजों को डालने के बाद बनेंगे। तो इसके ऊपर भी आप काम कीजिए, इन पॉइंट्स के ऊपर भी आप काम कीजिएगा। सबसे पहले आपकी जो क्वालिटी होती है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो है आपकी कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज को लेकर आपका प्रयास। जब आप किसी चीज में लगातार मेहनत करते हैं तो वो मेहनत कभी विफल नहीं जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैंने लगातार मेहनत की, बहुत बार प्रयास किया, मगर फिर भी मैं फेल हो गया। भैया आप फेल नहीं हो गए, आप उससे बहुत कुछ सीख गए कि कैसे नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया। तो आप फेल नहीं हुए हो, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो लाइफ में कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंसी बनाकर रखोगे, लगातार आप उसको उसमें कार्यरत रहोगे तो डेफिनेटली लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि देखो वो कितना मेहनत कर रहा है, लगातार लगा हुआ है उस चीज के पीछे, लगातार उस पर काम किए जा रहा है, लगातार अपने लाइफ में उसमें समय दिए जा रहा है। तो आपकी कंसिस्टेंसी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का आपके पास एक बहुत बड़ा रास्ता बनती है। इसीलिए ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप जब ये कंसिस्टेंसी निभाते हैं
हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे वो बोलते हैं ना कछुआ जैसे इस परेशानी आती है तो अपने आप को सिकोड़ कर अंदर आ जाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल, आपको सिकोड़ना नहीं है अपने आप को, आपको रुकना नहीं है। जब भी आपके पास समस्या है तो आपको हर समस्या का डट के सामना करना है। इससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। आपके पास आई प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं, आपकी गरीबी से जब आप बाहर निकलते हैं, आपकी मजबूरियों से जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं और लोग उन्हीं एग्जाम्पल को दूसरों को दे दिया करते हैं कि देखो उसके जैसे बनो, उसके जैसा किया करो, देखो उसके पास कितनी तरक्की है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा लोग आपके लिए दे दिया करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए किया गया सेवा, इवन दैट आपका किसी पॉजिटिव काम में किया गया योगदान, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें, राइट ये ऐसे पॉइंट्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन से आप किसी का भी दिल मोह सकते हो, आप उसके लिए अच्छे बुरे चीजों को बात करके, उसे सजेशन करके आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी चीज को बताने का, पूछने का, समझने का या समझाने का तरीका, किसी किसी को आप इन्फ्लुएंस कर देते हो और उसको बहुत पसंद आ जाता है आपका तरीका। As usual, ये पूरी प्रोसेस हम अपने इसे एक क्लास में भी बताते हैं। हम जब भी आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं ना, तो एक बिजनेसमैन में कुछ क्वालिटीज होती है, एक बिजनेसमैन में कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनके जरिए आप अपने बिजनेस को रन करते हो, आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हो, और इसी से जुड़ा ये चैप्टर भी है। और इसकी पूरी चैप्टर में ब्रीफ में एक एक चीजों के स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करा देंगे, एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं अपने क्लास में भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा कि ये क्या है और कैसे ऑपरेट होता है और कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को इन पॉइंट्स के जरिए, दूसरों को उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसर क्या होता है, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस तब कर सकते हैं जब आपने कुछ लाइफ में अचीव किया हो, कुछ अचीव किया हो ऐसा जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट, राइट? तो लोग आपकी बात सुनते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इस सेशन में बने रहने के लिए, मेरे साथ आज यहां पे उपस्थित होने के लिए आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और करेंगे बहुत कुछ बातें। जय हिंद।